2022 में यूपी में योगी रिटर्न ने बीजेपी को जोश से भर दिया। इस जीत ने अब 2024 में मोदी रिटर्न्स की बुनियाद रख दी है। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी का पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत। पीएम ने जीत के लिए जनता का जताया आभार, कहा 2022 के नतीजों ने तय कर दिया 2024 का परिणाम। यूपी में बीजेपी की जीत पर उड़े अबीर और गुलाल। पार्टी ऑफिस में सीएम योगी का जोरदार स्वागत। प्रचंड जीत के लिए सीएम योगी ने जनता का किया आभार। यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की हुई वापसी। सीटों के मामले में 2017 के मुकाबले सपा को फायदा। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद एक साथ मन रही होली दिवाली। रंग गुलाल और आतिशबाजी के साथ जीत का मनाया जा रहा जश्न। सिरातू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हार। सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल की सिरातू से जीत। केशव मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, जनता का फैसला है स्वीकार। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, लेकिन खटीमा से हारे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी लालकुआं से हारे चुनाव। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। यूपी चुनाव नतीजों को लेकर मंथन। सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल शामिल होंगे। आज से दो दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोरदार स्वागत की तैयारी। खेल महाकुंभ 2022 का करेंगे उद्घाटन। यूपी में अपना दल सोनेलाल को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर चखा जीत का स्वाद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बीजेपी को दी जीत की बधाई। कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों की जीत। लोगों ने जाति धर्म से उठकर वोट किया। गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। 40 में से 20 विधानसभा सीटों पर लहराया जीत का परचम। मणिपुर में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। 32 सीटें जीतने के बाद उत्साहित नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। इम्फाल में पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर की आतिशबाजी। पंजाब में सरकार बनाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल बनाएंगे रणनीति। चंडीगढ़ में भगवंत और निर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे बैठक।